प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। अर्पिता, कर्क वाले सामान्यतः धनवान होते हैं, नॉर्मली कर्ज की जरूरत उनको जीवन में नहीं पड़ती है, लेकिन अगर पड़ भी गई तो इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी व्यवस्था होती है कि वो उसे मैनेज कर लेते हैं, कर्जा अगर फंस भी गया तो चुका लेते हैं। तो कर्क वालों के लिए कर्ज बहुत मुश्किल मामला नहीं होता है। फिर भी अगर आपकी राशि कर्क है, आप कर्ज में फंस गए हैं या कर्ज आपने लिया है चुका नहीं पा रहे हैं चाहने के बावजूद, तो अधिक से अधिक सात्विक रहने का प्रयास करिए, यानी आप कोशिश करिए कि मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना किया जाए। एक काम तो ये करिए जरूर, और बृहस्पतिवार को केले का दान करिए। हर बृहस्पतिवार को अगर आप केले का दान करें, धर्म स्थान में कर दें, गरीब आदमी को दे दें, गाय को खिला दें, अगर ऐसा आप लंबे समय तक करते जाएं तो आप कर्जे चुका पाएंगे। वैसे कर्क वालों को कर्ज की चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्क वालों को कहूंगा कि अगर कभी ऐसा लगे कि आप फंस गए हैं तो ये उपाय आप कर लीजिएगा, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। देखिए अर्पिता, सिंह राशि वाले बहुत मेहनती होते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं जीवन में, और इसको मैनेज करने के लिए उन्हें सामान्यतः कर्जा लेना पड़ता है, लेकिन ईमानदार बहुत होते हैं, कर्जा लेंगे तो चुकाने का भरपूर प्रयास करेंगे और चुकाएंगे भी। सिंह वालों के लिए कर्जा लेना इनकी आवश्यकता होती है, इनकी मजबूरी होती है, तो कर्जा सिंह वाले आमतौर पर लेते हैं, लेकिन वो मेहनत करके सही टाइम पे कर्जा चुकाते भी हैं। क्या करें अगर आप कर्जे में फंस जाएं, आपकी राशि सिंह है तो क्या करना चाहिए? शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वृक्ष की परिक्रमा करें, एक लोहे का छल्ला जरूर पहन लें, दाहिने हाथ में, राइट हैंड में या बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार को एक लोहे का छल्ला पहने रहें और शनिदेव की उपासना करें। आप जितना शनिदेव की पूजा करेंगे, पहले तो कर्जा लेने की नौबत ही नहीं आएगी, और अगर आ भी जाएगी तो आप कर्जे में नहीं फंसेंगे, ये बात पूरी तरह से जाने रहिए। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। और अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है कन्या राशि। बिल्कुल अर्पिता, कन्या राशि बड़ी कैलकुलेटिव राशि है, पैसों के मामले में सबसे बड़ी राशि मानी जाती है जी। तो ये कर्जा लेते हैं टैक्स बचाने के लिए, चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब लोन ये अपने फायदे के लिए ही लेते हैं और ज्यादातर इनको नुकसान नहीं होता है। कन्या वाले पैसा लेने देने के मामले में अति बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए आम तौर पे कन्या वालों को कर्जों में फंसा पाना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी अगर कभी फंस गए, मानव का जीवन है, कर्जा आ गया, कर्जे में फंस गए, नहीं चुका पा रहे हैं, तो एक लोटे जल में एक चुटकी काला तिल मिलाइए और इसको रोज काला तिल मिला हुआ जल भगवान शिव को रोज अर्पित करिए। एक काम। दूसरा काम, शनिवार को मीठी चीज का दान करिए। कोई भी मीठी चीज, जैसे गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, कोई भी मीठी चीज हर शनिवार को अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ऐसा करने से कर्जा कितना भी आपको परेशान करता हो, आप कर्जे में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।